फ्रेंड्स, आज एक मैं ऐसा एक मशरूम के बारे में बताऊंगी जिसके नाम है कॉर्डिसेप्स मिल्टेरिस ड्रॉप्स। ये बहुत सालों के भेज प्योर भेज है। इसे लेने से ना आप फुर्तीला होंगे, आप एनर्जेटिक होंगे और इसके साथ साथ आपका स्टैमिना बढ़ेगी, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। मैंने इसे यूज कर रही हूँ, कॉर्डिसेप्स मिल्टेरिस ड्रॉप्स। ये ऐसे होता है, 5 बूंद ऑन लेने पड़ती है, 7 to 8 ड्रॉप्स। इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं आज 2 एक्सपर्ट को आप सबसे मिला रही हूँ। एक है मिस्टर शरद चौधरी, दूसरी है डॉक्टर राघविंदर सिंह, जिन्होंने 15 इयर्स इस बात को मशरूम को रिसर्च करके लैब में ग्रो करके कल्टीवेट करके इसे तैयार किए। सो नाउ लेट्स मीट। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ऑर्डर करना। स्क्रीन में नंबर दी गई है, आप कॉन्टेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हो, 100% आपको ऑथेंटिक मिलेगी। ले लिया था कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस। कॉर्डिसेप्स ये शब्द है जो अपने आप में बताता है कि ये एक ऐसी रेमेडी है जो हर तरीके से आपको चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रख सकती है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा बताइए, कॉर्डिसेप्स है क्या, कहाँ से मिलता है, क्या चीज है, क्या कोई एक्सट्रैक्ट है, क्या इंग्रेडिएंट है? सो व्हाट इज कॉर्डिसेप्स? कॉर्डिसेप्स बेसिकली इसका एक वैज्ञानिक नाम है, कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस। वैसे तो फोल्क में अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, पर इसकी अवेलेबिलिटी एशियन कंट्री में है। मैं इस रेफरेंस को क्यों दे रहा हूँ कि अगर हम जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, एक जर्नल है जो नोबल मॉलिक्यूल बताता है, पिछले 10 साल में 37 डिफरेंट ड्रग मॉलिक्यूल रिपोर्ट हुए, वो सारे के सारे फंगस से हुए। तो व्हाट आई एम सेइंग, फंगस एक ऐसा यूनिक जीव है जो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर कई सारे सेल मिलकर उसका शरीर बना, जैसे हम है, हम यूकैरियोट है। तो यूकैरियोटिक फंगस है, तो कॉर्डिसेप्स भी एक यूकैरियोटिक फंगस है। और फंगस के अलग अलग ग्रुप है, जैसे एक तो खाते हैं मशरूम, वो भी एक फंगस है कलोनी पर्पज के लिए, वो बेसिडियोमाइसिटीज होता है। वैसे एक एस्कोमाइसिटीज है, उसमें कॉर्डिसेप्स आता है। सो अगर मैं थोड़ा इसको और ज्यादा जो है सरल शब्दों में बोलूं, तो बेसिकली कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस एक फंगस का एक्सट्रैक्ट है, क्या ये कहना सही होगा? जैसे सर मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे हमने बहुत सारा खाना खा लिया जी, पर खाने के बहुत देर बाद हमारी हमारे शरीर को कुछ ऊर्जा मिलती है। होता क्या है कि जाता है फूड, स्टमक में पहुंचता है, वहां डाइजेस्ट होता है। अब खाना क्या है, कोई भी फूड मटेरियल क्या होगा, उसमें भी सेल्स होंगी, कुछ उसमें न्यूट्रिएंट होंगे, मिनरल होंगे, वो उससे स्टमक में बाहर निकाले जाते हैं। फिर उसके बाद वो हमारी आंतों में से गुजरता है और धीरे धीरे उसमें जो पोषक तत्व हैं वो सोख लिए जाते हैं। हमको कुछ ऐसा फॉर्मेट मिल जाए या तरीका मिल जाए कि हमने जो पोषक तत्व हमारी बॉडी में जगह जगह जाने हैं सीधे हम वही आपको दे दें। आपने एक ड्रॉप डाला, आपके माउथ से ही अब्सॉर्बेंस शुरू हो गई, ठीक है। तो जो कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस, जो मोदी परिवार ने अभी कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस का प्रोडक्ट बनाया है, लॉन्च करना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस के उन सारे मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन है जो इस फॉर्मेट में है कि जैसे आप माउथ में लेते हैं यहीं से आपकी बॉडी में जाना। सो बेसिकली जो बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं या जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं कॉर्डिसेप्स में, वो हमें डायरेक्ट टू एब्जॉर्प्शन के लिए हमें मिल जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। सो उसका फायदा ये होगा कि ज्यादा और जल्दी हमारी कोशिकाओं में जाएंगे, जिस कारण से फायदे कई गुना हो जाएंगे। अगर आपका शरीर, जैसे मैंने कहा, कोई व्यक्ति बीमार है जी या कोई व्यक्ति स्वस्थ है जी, तो स्वस्थ है तो इसका मतलब यह है कि उसके शरीर में ऊर्जा भरी पड़ी है, राइट। और काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, राइट। अगर सेल को खाने में से उस पोषक पदार्थ को लेना है तो सेल के अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, बिल्कुल। ऊर्जा के लिए हमारे शरीर में एक सिक्का चलता है, एनर्जी क्वाइन, उसको ATP कहते हैं सर। बिल्कुल सही बात है। कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस एक ऐसा अनोखा जो है जीव है, ऐसा अनोखा फंगस है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल एडिनोसिन पाया जाता है, जो बॉडी के अंदर जाता है फॉस्फेट से बाइंड होके और जो एनर्जी वाले सिक्के हैं ATP वो बना देता है। तो इससे होता क्या है कि जो स्वस्थ शरीर है या जो अस्वस्थ शरीर है,
वो स्वस्थ की तरह परफॉर्म करने लगेगा, और जो स्वस्थ शरीर है उसके शरीर में किसी भी तरीके की सेलुलर अल्टरेशन या कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुरक्षा अमेजिंग राइट, आपने जिस हिसाब से बताया है कॉर्डिसेप्स के बारे में, और आई एम श्योर हम सारे इसके बेनिफिट्स को लेना चाहेंगे, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा मन में सवाल ये भी आ रहा है, कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस दवाइयों की कैटेगरी में तो नहीं आता राइट, ये एक हेल्थ सप्लीमेंट ही है। जी हाँ, ये दवाइयों में नहीं आता है, यह एक हेल्थ सप्लीमेंट है। दिस इज अमेजिंग डॉक्टर साहब, सो दिस मींस कि मुझे ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए जो आपने अभी हाईलाइट किया, चाहे मुझे अपना एनर्जी, स्टैमिना, इम्यूनिटी, विगर, विटालिटी, ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, आई कैन टेक कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो आपने एक बात बताया था, एक वर्ड यूज किया था कि इसको हमने डोमेस्टिकेट किया है, सो थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आपने ये पूरे प्रोसेस को अचीव किया, कहाँ पे ये यू नो डोमेस्टिकेट का मतलब है कि आपने इसको लैब ग्रोन बनाया है, आई एम श्योर ये फंगस जो है नेचर में कहीं पे पाया जाता होगा, तो कैसे आपने ये रिसर्च करी और कैसे आपने इसको जो है डोमेस्टिकेट किया ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। कॉर्डिसेप्स बेसिकली इसकी अवेलेबिलिटी हायर एल्टीट्यूड पे होती है, बहुत ही ऊंचाइयों पे ही पाया जाता है। इसका नेचर होता है कि अपने आप को बचाने के लिए वो इसके स्पोर बनाता है, और वो स्पोर जो कीड़े होते हैं, कीड़े के प्यूपे, वो उनकी बॉडी में एडियर होता है और पेनिट्रेट कर जाता है। तो जो कीड़े के अंदर एक स्पेस होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, कीड़े के इनसाइड उसको हीमोसील कहते हैं, उसमें एक लिक्विड भरा होता है कीड़े के अंदर जिसमें बहुत तरीके की सुगर्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उस कीड़े की लाइफ साइकिल को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। तो ये फंगल स्पोर क्या करता है कि जो वो न्यूट्रिएंट है उनको खा लेता है, और उनको खा के अपनी प्रोजेनी को पूरा बढ़ाता है, और जब उसको पता चलता है कि अब इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं बचा है तो अपनी अगली प्रोजेनी के लिए वो एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी एक क्लब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो आगे उसके माउथ की तरफ से बाहर निकल आता है। तो बेसिकली ये होता है कॉर्डिसेप्स। ओके, सो बहुत थोड़ा सा प्रोसेस करने दीजिए अब। सो हायर एल्टीट्यूड्स यानी कि पहाड़ों पे कीड़ों के ऊपर ये फंगस ग्रो करती है, और कीड़े में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ये फंगस कंज्यूम करती है, ग्रो करती है अपनी प्रोजेनी को, यानी कि अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएगी। तो बेसिकली ये जो फंगस है वो कीड़े के ऊपर ग्रो करती है, इज इट ग्रेट। तो ये वेज है या नॉन वेज है, ये किस कैटेगरी में आएगा फिर? अगर हम इसको नेचर से उठाते हैं तो ये नॉन वेज हो गया। अगर मैंने इसको डायरेक्टली पहाड़ों पे गया, वहां से उठा लिया कीड़े के ऊपर से, तो ये नॉन वेज हो गया, ठीक है, क्योंकि साथ में आपने कीड़े को भी उठा लिया। लेकिन आपने इसको डोमेस्टिकेट कर लिया है, लैब ग्रोन किया है। जी बिल्कुल, आपने सही समझा। हमने क्या किया, जो स्पोर है उन स्पोर को वहां से उठाया और लाके उनको लैब में एक मीडिया पे हमने पहले ग्रो कराया। समझ गया, ठीक है जी। फिर वहां से उठा के हमने एक प्लांट के जूस में, उस जूस को हमने टेस्ट किया कि जो कीड़े के अंदर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उसके इक्विवेलेंट है कि नहीं। ओके, जब हमारी एनालिसिस पूरी हुई, हमने ऐसा जूस खोज लिया कि एक प्लांट ऐसा खोजा कि जिसके अंदर वही सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो लगभग कीड़े के अंदर पाए जाते हैं। ठीक ठीक, हमने उस जूस को लेके उसमें उस स्पोर को डाल दिया, और को लगता है कि मैं कीड़े के अंदर हूं, और यही डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस है जिसके ऊपर आपने कितने सालों तक स्टडी किया और कितने सालों की गहन अध्ययन के बाद इसको आपने इस प्रोसेस को अचीव किया और कैसे किया, जरा ये भी जरा बताइए। इस पूरे प्रोसेस को करने में हमें 10 साल के करीब लग गए। ओह, ये हम लोगों ने इस पर काम 2014 से ही शुरू कर दिया था। पहले हमने कल्चर को आइसोलेट किया, धीरे धीरे पहले हमने इसको समझना कि कैसे ग्रो होगा, लैब में कैसे ग्रो होगा, क्या कोई प्लांट ऐसा है भी। तो इसको कौन कौन ले सकता है और वो क्या क्या बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकता है, और किसको ये नहीं देना? बच्चों, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन को हम नहीं दे सकते। ओके, उसके अलावा सारी कम्युनिटी, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे अदर किसी भी एज ग्रुप का हो, उनके लिए हर तरीके से ये स्वास्थ्य वर्धक है ही। ओके, वेरी नाइस, दिस इज अमेजिंग। सो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी जीवन शैली बहुत भागदौड़ वाली है, तनाव हो जाता है,
चीजें याद नहीं रहती, क्या उनके लिए भी अच्छा रहेगा? उनके लिए बहुत ही अच्छा है। कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस उनको बिल्कुल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जो उनको बिल्कुल फोकस्ड रखेगा, डिप्रेशन से बचा के रखेगा। वेरी नाइस। और आजकल ये भी दिखने में आता है डॉक्टर साहब कि बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेस एंड इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज नहीं है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो विगर विटैलिटी है, जो जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, उसमें भी कई लोगों को फर्क पड़ जाता है। तो क्या कॉर्डिसेप्स का इसमें भी कोई रोल है? कॉर्डिसेप्स का जो ओरिजिनल रोल है पहले इसी के लिए रिपोर्ट किया जाता था। ऑल राइट। आपने एक स्टोरी भी शेयर की थी जहां पे कि वो जो रॉयल्स आए, हाँ, लेकिन अंडरस्टैंड ना हो गया। और क्या क्या मतलब किस तरह से ये फायदा पहुंचाएगा, कितना फायदा एक्सपेक्ट किया जा सकता है? आप ह्यूमन का जो स्पर्मेटोजेनिक पीरियड है आपको 2 महीने तो लेना ही चाहिए, अच्छा, दो ओके महीने एडवाइजेबल है। जी, साथ में जो आपके क्लिनिकल सपोर्टिंग जो डॉक्टर हैं आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। और इसके क्या क्या फायदे होंगे अगर एक जो आम तौर पे अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहता है, और क्या क्या फायदे एक्सपेक्ट कर सकता है वो व्यक्ति? कोई भी व्यक्ति चाहे वो एथलेटिक एथलेटिक से बिलोंग करता हो, चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह ऑफिस जाता हो या बहुत ज्यादा वर्कलोड हो, फोकस नहीं कर पा रहा हो, थकान उसको रहती हो, ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो, फटीग से राइट। परेशान हो, इन सब के लिए कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस बहुत ही अच्छा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ तकरीबन हर एक व्यक्ति जो आजकल की भागदौड़ वाली जीवन बिल्कुल, शैली में ये है। हर मैंने तभी कहा कि हर एज ग्रुप के लिए, जो मैंने बताया जिनको छोड़ के, बाकी जी सारी एज ग्रुप के लिए ये बहुत ही जरूरी है। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अगर कोई इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा तो शायद उसे कोई शारीरिक समस्या नहीं आती। और आजकल ये दिखने में आता है कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का काफी ज्यादा नंबर इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर कोविड तो यंगस्टर्स में भी इसका नंबर बहुत बढ़ चुका है। तो हार्ट हेल्थ के लिए कॉर्डिसेप्स का क्या रोल है? यस, हार्ट हेल्थ के लिए कॉर्डिसेप्स का बहुत ही अनोखा सा रोल है, क्योंकि होता क्या है कि हार्ट में एक आयन मैनेजमेंट होता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है कार्डियक अरेस्ट के लिए, चाहे वो स्लो या फास्ट, दोनों तरीके के अरेस्ट के लिए। कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस में ऐसे मिनरल्स या ऐसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो इनके बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। बिल्कुल, कुछ स्टडीज भी हैं, कुछ हमारे पास इसके बारे में बहुत रिसर्च सारे भी है, पबमेड पे जी बिकॉज ये क्लिनिक्स। बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे इस चीज के लिए। बिल्कुल, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि विदाउट ना तो मेरी बात सुने ना तो किसी की ओरल वोकैबुलरी को अडॉप्ट करें, आप सीधे नेट पे जाएं, उसके लिए पबमेड पे आपको सारे क्लिनिकल रिसर्च मिल जाएंगे, आपको सारे सवालों का जवाब उस एब्स्ट्रैक्ट में बिल्कुल क्लियरली मिल जाएगा। कुछ एक आधा अगर आप रिसर्च के बारे में भी बता पाए। इन द सेंस आप अगर कोई एक टारगेटेड पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि सो वैसे लेट्स मैं से इन हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, जिनका कोलेस्ट्रोल बड़ा होता है, तो उसमें किस तरह से कॉर्डिसेप्स काम करता है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। एजोथ बायोटेक ने इसके लिए फैटी लीवर सेल लाइन का एक ट्रायल लगाया था, ओके क्लिनिकल ट्रायल लगाया, तो उसमें जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं विद इन 10 डेज 30% का रिडक्शन हुआ, और जो प्री एडिपोसाइट है जो शरीर में मोटापा जिसे आता है जी उसको मेच्योर एडिपोसाइट मतलब जिससे मसल्स बनती हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया, और जब ये कन्वर्जन होता है तो उसमें एनर्जी जनरेट होती है। तो जी एक तरीके से कॉर्डिसेप्स आपके मोटापे को या आपके बॉडी में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसका भी कन्वर्जन मसल्स में कर देता है, साथ में आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ये डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज आपने बताई कि अगर मेरा एक्स्ट्रा फैट या बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो रहा है, फैट बाय द वे वेट लॉस नहीं हो रहा क्योंकि मेरा मसल बिल्ड हो रहा है, बिल्कुल, तो दिस इज आइडियल। और अगर इसके साथ में अच्छा खाता हूँ, अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ, साथ में कॉर्डिसेप्स लेता हूँ, तो आई कुड बी वेरी वेरी हेल्दी। कोई कोई इसके कॉर्डिसेप्स को लेकर कुछ साइड इफेक्ट्स कभी नोट किए गए हो? आपने ये तो बताया कि प्रेग्नेंट फीमेल्स लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं देना, बट कोई साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं इसके, या दिस इज वी कैन कंज्यूम इट सेफली? इसके लिए भी सबसे पहले हम लोगों ने किडनी सेल लाइन पे ट्रायल लिया था। किडनी जी सेल लाइन पे हमने 10 टाइम हायर डोजेज जो हम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसे 10 टाइम हायर डोजेज दी, पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिला। फर्दर हमने माइस ट्रायल, एक्यूट सब एक्यूट माइस ट्रायल भी किया, बायोमार्कर एनालिसिस भी की,
पर हमें किसी भी तरीके की कोई टॉक्सिसिटी नहीं मिली। 10-fold, 24 डोज पे भी हमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं मिली। मैं एक और अच्छी बात बताना चाहूंगा कि कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस का जो जीनोम है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट जो पैदा करता है, राइट, उसके जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उसमें भी अभी तक कोई टॉक्सिसिटी रिपोर्ट नहीं हुई। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो सजेस्टेड डोसेज है, अगर मैं उसे 10 गुना या 20 गुना ज्यादा भी कोई गलती से ले लेता है तो भी उसको किसी भी तरह से टॉक्सिसिटी यानी कि बुरा नुकसान नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन कोई अलग से स्पेसिफिक फायदा भी नहीं पहुंचेगा। नेचुरली तो मुझे उतना ही लेना है जितना पैक के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसी बात पे आते हैं कि इसकी डोसेज कितनी है और कैसे कंज्यूम करना है। इसकी डोज 7-8 ड्रॉप जो 0.5 ml के करीब बन जाता है और आपको ट्वाइस अ डे लेना है। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। तो बेसिकली 7-8 बूंदें मैंने पानी में या कॉफी में या जूस में या चाय में मिलाकर ले ली दिन में 2 बार। दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल, हर कोई इसको ले सकता है, बहुत ही अच्छी कंप्लायंस रहेगी। खाली पेट लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स के लिए इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आफ्टर मील लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मान के चलिए अगर कोई वेट मैनेजमेंट में कभी क्या होता है कि वो मील की बजाय हमारा एक मील रिप्लेसमेंट शेक ले रहे हैं, तो क्या उसके शेक लेने के बाद भी लेते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल, इससे कोई ऐसा स्पेसिफिक वेट आपका नहीं बढ़ना है। अच्छा, एक जरा मुझे बताइए कि ये जो हमारा बॉटल है उसमें 30 ml का ये बॉटल है और ये कहा गया है कि हमें इसको 1 महीने के अंदर कंज्यूम करना है। नेचुरली 0.5 ml दिन में 2 बार लिया तो 1 महीने का ही पैक है, पर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 3-4 दिन भूल जाता हूँ बीच में लेना या कभी एक दिन में नहीं ले पाया और फिर ये 30 डे को क्रॉस कर गया बॉटल, तो क्या इसमें कुछ इसकी क्वालिटी के ऊपर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इसकी क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर हम बॉटल ओपन करते हैं तो जैसा सारी मेडिसिन पे होता है कि हमें टाइमली लेना चाहिए, जो प्रिस्क्रिप्शन है उसे फॉलो करने चाहिए, पर अगर भूल जाते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है तो इनग्रेडियंट की क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, जिस हिसाब से आपने कॉर्डिसेप्स के बारे में भी जानकारी दी है दिस इज अमेजिंग। और मुझे मालूम है कि जैसे जैसे ये जानकारी मोदी के कंसल्टेंट्स के पास पहुंचेगी हर कोई इसको इस्तेमाल करेगा, प्रमोट करेगा और अपनी सेहत को पहले से अच्छा बनाएगा। पर एक सवाल मेरे मन में आ जाता है कि इतने सारे फायदे होने के बावजूद कॉर्डिसेप्स ये अभी इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ था भारत में? भारत में पॉपुलर ना होने का एक सबसे बड़ा रीजन था इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कितना करना है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक डेटा ऐसा कुछ नहीं था। नाउ स्काई इज द ओनली लिमिट, बिकॉज अब जब पूरी रिसर्च स्टडी साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है कॉर्डिसेप्स के ऊपर और इतना ज्यादा अब इसके ऊपर ये मैं कहूं कि रिसर्च प्रोडक्ट बन चुका है, सेफ है, इतने सारे बेनिफिट्स हैं और अब ये मोदी केयर के कंसल्टेंट्स के हाथों आ चुका है, तो आई थिंक अब कुछ ही चंद ही महीनों की बात है जब ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट बन जाएगा। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट यू गिवन टू अस, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मुझे मालूम है कि हम बार बार हमेशा अभी मिलते रहेंगे और आपने जो भी यहाँ पे हमें समय दिया है, जो आपने अपनी नॉलेज हमारे से शेयर करी है, इससे सिर्फ मोदी के कंसल्टेंट से नहीं बहुत सारे बाकी लोगों को भी फायदा पहुंचने वाला है health wise and also wealth wise. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you so much. So dear Modi ke consultants, ye the Dr. Raghavendra Pratap Singh ji, jinhone itni achhi jankari hame Cordyceps militaris ke upar di hai. Ye product bahut hi jaldi aapke nazdiki MLC mein aur DP pe available hone wala hai. Aaiye is product ko istemal kare, is product ko promote kare aur na ki sirf apni, apne जो हमारे आसपास लोग हैं उनकी सेहत को भी अच्छा करें।